महाराष्ट्र में हुई सनातन धर्म के साधुओं की निर्मम हत्या की पहली बरसी को उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर आज भारत रक्षा मंच उस बरसी को मना रहा है और यहाँ पर दीप जो है वो जलाए जा रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको रणवीरेश्वर मंदिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर सभी के सभी लोग जो हैं वो एकत्रित हैं और भारत रक्षा मंच के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि तस्वीरें आपको मंदिर की भी दिखाई जाएं कि आप देखें मंदिर की जो तस्वीरें हैं रणवीरेश्वर मंदिर की। यहाँ पर ये बरसी जो है ये मनाई जा रही है। आज एक साल पूरा हो गया है और आपको याद होगा कि बेकसूर साधुओं को भीड़ ने घेर कर मार दिया था और आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिला। ये यहाँ भारत में साधुओं को यदि इंसाफ नहीं मिले तो फिर आप सोचें कि लोग कहाँ जाए। लेकिन उनकी पहली बरसी जो है भारत रक्षा मंच जहाँ पर मना रहा है, तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, महाराष्ट्र में हुई सनातन धर्म के साधुओं की निर्मम हत्या की पहली बरसी जो है यहाँ पर भारत रक्षा मंच बना रहा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए गए हैं और 2 मिनट का मौन भी रखने के लिए कहा है। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग मौन रखें, इनकी आत्मा की शांति की दुआएं ज़रूर करें। लेकिन आज तक इन साधुओं को इंसाफ नहीं मिला और यहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए भारत रक्षा मंच जो है वो आगे आया है और आज पहली बरसी जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। आज के दिन जो महाराज
अपने जूना अखाड़े से संस्थापित उनसे संबंधित ये दो महात्मा अपने बंबई से ये सीधे हरिद्वार आ रहे थे और अपने गुजरात में आ रहे थे। इनके गुरु के कोई गुरु भाई वगैरह उनके कोई शरीर पूरा हो गया उसकी समाधि देने की क्रिया के अंदर ये आ रहे थे, तो लॉकडाउन की और परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि लॉकडाउन क्या उस टाइम पे किसी के घर में डेथ हुई हो तो वो किसी भी हालत में पहुंचने की कोशिश करता है। उस वजह से वो बेचारे रात को ही निकले थे और जो वो इलाका है पालघर का इलाका चिरौली गढ़चिरौली तो वो इलाका ऐसा ख़तरनाक इलाका है जो वहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी जो ज़्यादा है और वहाँ कुछ क्रिश्चियनों ने कोई अफवाह फैला दी कि ये बाबा लोग हैं रात को कोई सी डकैती करते हैं या बच्चों को उठाते हैं या वो करने के लिए आए हैं, वो अनसरी कोई गलतफहमी पैदा करके लोगों में उत्तेजना पैदा किया। उसी की वजह से वो इन महात्माओं पे और पुलिस प्रशासन भी उस टाइम पे कस्टडी के अंदर उनको लेना चाहिए था, पुलिस थी उनके पास सिस्टम था वायरलेस सिस्टम था सारा कुछ था, उस वजह उसकी इस्तेमाल करते हुए फोर्स बुला लेते उनको, इतनी देर तक गाड़ी में रखते बाहर क्यों निकाला उनको, बाहर निकाल के खुद मिली हुई पुलिस उनको पीड़ के हाथ सुपुर्द कर दिया। एक निहत्ते निरपराध महात्मा लोग जो कि किसी के गुनाह में शामिल नहीं थे वो एक समाधि देने के लिए जा रहे थे तो उनको भीड़ के हाथ देके और वो सारी वहाँ की जो हालात जनता है जो जो इसमें शामिल थे वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के थे, उन्होंने सारे इनके साथ बहुत बुरे दुर्दशा के साथ में उनको मारा गया, इनका कत्ल किया गया। हम इसके लिए बहुत बहुत भर्त्सना करते हैं और उनके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि भगवान महादेव उनको सदगति दे और जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है उनको सजा दे। श्रद्धांजलि देके 2 मिनट यहाँ सारे इकट्ठे होंगे, 2 मिनट का मौन रखेंगे साधुओं की अपनी आत्मिक शांति के लिए। ठीक है महाराज जी, 2 मिनट का मौन रखा जाएगा और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर श्रद्धांजलि जो हैं वो दे रहे हैं साधुओं को। जी इधर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा गैप में आ गए, 2 मिनट का मौन रखना है, इधर आ जाओ किसी कुछ ना सारे पूरे। जब भी वो दृश्य याद आते हैं तो भूख काम जाती है कि इस तरह के कार्य हमारे भारत देश में हो रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कुछ हुआ और कोई संज्ञान नहीं लिया गया। साधु संत हैं जो हमारे सनातन के जो हमारे रक्षक साधु संत समाज है उनकी आत्मिक शांति के लिए अभी हम 2 मिनट का मौन धारण करेंगे।
सालो सच सनातन धर्म की जय। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, महाराष्ट्र में हुई सनातन धर्म के साधुओं की निर्मम हत्या की पहली बरसी जो है भारत रक्षा मंच आज यहाँ पे मना रहे हैं, और आज उनकी हत्या के ऊपर मौन भी रखा गया, दीपक भी जलाए गए, और इस समय मौसम भी जो है वो थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है कि आप सभी जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आए हैं, मैं भारत रक्षा मंच युवा इकाई की ओर से आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इतने आंधी तूफान में भी जो आप लोग जो सनातन के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसी कर्तव्य को निभाते हुए आज आपने जो हमारे दिवंगत जो साधु संत समाज हैं उनके जो हमारे दो साधुओं ने जिस प्रकार हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी आपको जगाने की कोशिश है, हिंदू समाज जागे, इनके बलिदान जो है वो व्यर्थ ना जाए। आज पहली बरसी पे आज जो हमने कार्यक्रम किया, हम चाहेंगे कि दिवंगत आत्माएं हम सबको इतनी ताकत सद्बुद्धि और हिम्मत दे ताकि हम अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए यूं ही निरंतर कार्य आगे करते रहें। जय श्री राम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अच्छा, मैं रोहित जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह से निर्मम हत्या हुई आज तक इंसाफ नहीं मिला, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंसाफ की बात है तो आपको पता है धर्म निरपेक्षता एक ही तरफ उसका रुझान ज़्यादा है, जो भाईचारा सॉर्ट ऑफ जो इस समय जो टेंशन जो क्रिएट होती है, तो इंसाफ आपको पता है कितनी जल्दी यहाँ कईयों के लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाती है, और जब ऐसे साधु संतों की बात आती है दुख होता है, कोई नहीं बोलता। आज मेरे को लगता है पहली बरसी है, शायद ही कईयों को याद होगा। नहीं, ये तो काफ़ी अच्छा किया कि आपने याद दिलाया उन सभी लोगों को जो शायद आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक मेरा वही प्रश्न है कि आज तक इंसाफ नहीं मिला, तो क्या क्या समझें कि अब भारत में साधुओं को भी इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर कहाँ जाएं लोग? देखिए, ये कोई ऐसा कृत्य तो था नहीं कि जो आधी रात या बंद कमरे में हुआ जिस पर किसी को संशय हो, ये तो लाइव देखा यार, सबने देखा है वीडियो पे किस प्रकार उनको मार रहे। इनके लिए आतंकवाद का मजहब नहीं होता, ये वो पता नहीं क्या क्या वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, ये वो यहाँ पे शरेआम जो हमारे ये दोस्त सन्यासी संत जो हैं जिनकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई, और ये महाराज जी तो हंस रहे थे, उनको हंसते हंसते उनको बोल रहे थे, पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, यही सहिष्णुता का यही इनाम मिलेगा, इसी प्रकार बने रहें, आगे भी मिलते रहेंगे। और बाकी रही इंसाफ, अपनी इस समय कोर्ट में जो केस है वो ऑलरेडी चल रहा है, जूना अखाड़ा ने इस केस को परस्यू कर रहा है, जितने भी वकील वगैरह जो भी हैं वो सब जूना अखाड़ा की तरफ से किए गए हैं, 400 लोगों के ऊपर FIR है, 200 जो लोग हैं 200 से ज़्यादा वो इस समय जेल में हैं, और कुछ लोग जो है वो बेल पे ना महाराज जी अभी, हाँ कुछ लोग बेल पे हैं, बाकी कानून अपना काम करेगा, कानूनी प्रक्रिया है। बाकी देखिए, दुख होता है ना कि आधी रात को एक तरह सुप्रीम कोर्ट भी खुलती है, और जो देश के खिलाफ वॉर करने वाले लोग तो देश के खिलाफ जिहाद फैला रहे, आतंक फैलाने, उनके लोगों के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलती है, और सन्यासी जिनका सारी दुनिया ने देखा सरेआम उनको मारा गया, उनके लिए बस यही आदमी इनके क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे भारतवासियों को? भारतवासियों को यही संदेश है कि आप प्लीज खुद जागेंगे नहीं जब तक, तो इस प्रकार ही सोने के लिए सबको तैयार होना रहना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन तो यूं सोना ही है, क्यों ना अपने समाज के लिए अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार आप आज की डेट में मेहनत करते हो सब कुछ ये जो कर रहे हो, आप कई चीज़ें कईयों से सीखने वाली हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनसे सीखें कि किस प्रकार अपने धर्म की अपने समाज की अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे दो जो संत हैं कल्पेश गिरी जी और एक अपने जो छोटे महाराज जी थे, इन्होंने अपने जो प्राणों की आहुति दी है वो इसी संदर्भ में है कि हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तो ये ऐसे अत्याचार अनाचार सदियों से हिंदू सहता है, आगे भी सहता रहेगा। अच्छा महात्मा जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि कुछ संदेश जो है हमारे भारतवासियों को दिया जाए। भारतवासियों को यही संदेश देता हूँ कि भारत भारत नहीं है, ये खिचड़ी स्थान है। जब अंबेडकर ने बोला है कि हम दो भाई अलग बंटवारा कर गए, तो उनको अंबेडकर ने बोला कि इनको बाहर कर, इनको अपनी जगह पर दे दिया जाए। फिर इन लोगों ने सेकुलरवाद, ये सेकुलरवाद जो चलाया है ना नेहरू पॉलिसी, इसने सेकुलर ने तो सारा हिंदुस्तान का नाम ही खत्म कर दिया, ये तो खिचड़ी स्थान हो गया। जो आज हम हिंदुओं के लिए कोई भी हो उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, दूसरे गैर हिंदुओं के लिए तो सब कुछ है। हमारे लोग जितने भी हों
उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं है ना कुछ है, गरीब हालत में भी होंगे तो भी उनको नहीं। और दूसरे मजहब के लोग हैं उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए कोर्ट कचहरी भी खुले हुए हैं, सारा आपके सर्विस के भी इदारे खुले हुए हैं, सारा गवर्नमेंट के सब कुछ खुले हुए हैं। आज हमारे जम्मू के लिए क्या है, जम्मू में इतने साल से इतने लोग रह रहे हैं, एक तिरंगा उठा के चलते हैं, भारत माता की जय, बम बम भोले में इतना कुछ किया, इनके लिए क्या बना, कुछ नहीं। कश्मीर में जरा सा बोलते हैं इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान जिंदाबाद, उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, हैं इतना कुछ पत्थर चलाते हैं आर्मी फोर्स के ऊपर, ये हमारे शांति प्रिय लोग, इनके लिए कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, पानी का नहीं, कोई बिजली की खास सुविधा नहीं है, और सड़कें देखो तो वैसे ही हैं। सरकार बोलती है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर यहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये सब श्रीनगर के लिए कर रहे हैं सब, तो ये आपस में मतभेद पैदा करने का तो खुद सरकारें कर रही हैं और कौन कर रहा है पब्लिक। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? ये देना चाहते हैं कि सब संभाव रहे, किसी में आपस में मतभेद, हमारा तो हिंदू धर्म तो अग्नि सहनशील है, ये हमेशा से वार झेलता आया, आज से नहीं है, सदियों हो गई, इसके ऊपर जब भी किसी ने आक्रमण किया इन्होंने चुपचाप सह लिया, जैसे हमारे महात्माओं ने सहा कि उन्होंने कोई नहीं विरोध किया और अपने सहते हुए मर गए। हमारे कितने बलिदानी वीर लोग जिन्होंने अंग्रेजों के या मुगलों के या औरों भी जो भी आक्रमणकारी आए हैं उनके लिए विरोध करते करते शरीर त्याग दिया। हमारे शहीद कितने हुए हैं उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, आज चलो ये बच्चे लोगों ने उनका नाम लिया है, आज और कुछ संस्थाएं हैं हैं जिन्होंने बलिदान दिया उनका नाम लेती हैं, पर आने वाले टाइम पे ये सरकारें जो पीछे हट जाएंगी तो क्या करेंगी, वो खुद आगे आना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमारे देश के बलिदान दिए जो वीर दिया है बलिदान किया है उनका नाम कोई पुस्तकों में देना चाहिए, उनका नहीं कुछ, उनका कोई नाम नहीं है, मतलब भ्रमित किया जा रहा है अपने ही समाज, हिंदू समाज को, तो आपस में जो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है उसको वो तोड़ रहे हैं, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म गुरु, मन मर्जी, मेरा मर्जी, मेरे पास में थोड़ा कुछ हुआ मैं अपना धर्म अलग चला लेता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे को ही मानो, भगवान को नहीं मानो, मूर्तियों को उठा के गंगा उसमें तभी में डाल दो, कोई चिनाव में डाल दो किसी को, ऐसे ऐसे धर्म गुरु पैदा हो गए जिनको बोलते हम ही हैं। अंधकार सा लग रहा है कि अंधकार आ गया, युग है ये, अंधकार युग है ये, कोई धर्म युग में नहीं आ रहा है, ये अंधकार युग है। तो ये भगवान शिव के जो प्रकोप से जो कोरोना फैल रहा है, बीमारियां फैली हैं, ये ही प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है, ये कोई आप जैसे नहीं, किसी ने बीमारी नहीं फैलाई है, ये प्रकृति का ही प्रकोप है। प्रकृति को जब आप रखोगे संतुलित रहेगी प्रकृति तो आपका सबका भला होगा। मेरा सबसे यही है कि अपना साफ सफाई रखो, घरों में अच्छे स्वच्छ रहो और अपना ठीक ठाक रहें सब, तो उससे हमारा देश भी उन्नति करेगा और हम लोगों का परिवार भी खुशहाल रहेगा। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सनातन धर्म के जिन साधुओं की निर्मम हत्या की गई थी उनकी पहली बरसी जो है वो भारत रक्षा मंच ने यहाँ पर बनाई है, और एक अच्छा संदेश जो है वो दिया गया है कि आप लोग स्वस्थ रहें, थोड़ा ध्यान रखें, घरों में कोविड 19 की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें, लेकिन जागें, भ्रमित ना हों, समझें कि कौन सी दिशा में हम लोगों को जाना है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक शेर समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।